हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप मोबाइल से कैसे एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल आर्ट या फिर बैनर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पिक्सेल लैब आपको प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर लेना होगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं इसके जस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर ओके कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे इमेज साइज पे जाना होगा और आपको यहाँ से YouTube थंबनेल चूज कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कलर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इस कलर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से YouTube का जो बैनर टेम्पलेट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहां पर रिलेटिव पोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो 74% है इसको आपको 100% कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको इसको लॉक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इस एडिट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर आपको इस एडिट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपना चैनल का नाम दे सकते हो। तो मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर दे देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ पोजीशन। तो दोस्तों आपको इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ए वाला ऑप्शन पर जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक कलर वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर टेक्स्ट है इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैं इस कलर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको और दो कम करना है। आपको यहाँ पर आ जाना है स्टॉक पर और इसको आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शैडो पर क्लिक करना होगा, इसको भी आपको इनेबल कर देना होगा और यहाँ पे जो रेडियस वाला ऑप्शन है इसको आपको एकदम जीरो कर देना होगा और यहाँ पे जो ऑफसेट वाला ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा कम कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली फॉन्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। मैं इस फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, फिर टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका चैनल का जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको ए वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कलर चूज कर लेना होगा, फिर ओके कर देना होगा। यहाँ पे आप इसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। मैं इस वाले फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टॉक वाला ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर देना है। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शैडो वाला ऑप्शन पर आना है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है और आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर ओके कर देना है आपको। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपका कोई भी एक पिक्चर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर जाना होगा, फिर आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको
इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा और इसका जो साइज है इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा चैनल नेम का साइज है ये छोटा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके लिए आपको साइज वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से साइज आपको बढ़ा देना होगा, तो ये बढ़ गया आपका साइज। उसके बाद दोस्तों आपको फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके करना है, ओके पर करने के बाद आपको इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्वालिटी पर आपको यहाँ पर अल्ट्रा चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और आपका YouTube बैनर क्रिएट हो गया है।